इस गेट खुला हुआ है तो शायद हम पाकिस्तान में एंटर हो जाएं। अरे बिना इसीलिए आप घूमते हो ना, कोई पार ना करे। क्यों सर, तो क्या सच में इधर में लड़ाइयां भी हो जाती होंगी? ट्रेन जो एक समझौता एक्सप्रेस जो चलती है ना, आप लोगों ने सुना भी होगा, वो यहीं के थ्रू चलती है। देखो गाइस, पाकिस्तान वोरा जो उधर पीले सरसों के खेत हैं, गेट पाकिस्तान में एंटर होने का देख सकते हो आप, ये रहा। तो ट्रेन जब आती है यहाँ रुकती है पहले, फिर गेट ओपन होता है, फिर ट्रेन पाकिस्तान में एंटर करती है। तो गोली वोली की भी आवाज आ जाती है आप लोगों को कभी कभी? आ जाती है। सुनी आपने? में भी होती है लड़ाइयां, जहाँ पे होती है। अच्छा, तो अभी रिसेंट कब हुई थी? हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि मैं आया हुआ था यहाँ अटारी बॉर्डर यानी कि बाघा बॉर्डर, जो कि पंजाब में भारत और पाकिस्तान का एक बॉर्डर है। यहाँ एक परेड सेरेमनी होती है जो कि बीएसएफ द्वारा होती है, जो काफ़ी अच्छी होती है। आपने मेरा पहला व्लॉग देख ही लिया होगा। तो मैं आज इसी व्लॉग में, मतलब इस व्लॉग में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक गाँव है अटारी, जो कि भारत का पंजाब की तरफ से आखिरी गाँव है, तो वहाँ आज चलते हैं। मैंने अभी एक ऑटो वाले से पूछा था, वो बता रहा था वहाँ पुराने पुराने घर हैं, लोग रह रहे हैं, वहाँ से पाकिस्तान दिखता है पूरा, सब कुछ रेलवे स्टेशन दिखता है। तो हम भी एक बार चलते हैं देखने कि दिखेगा या नहीं दिखेगा, जो भी है मन है एक, हाँ देख के आते हैं। तो वहीं चलते हैं अब, यहाँ से आगे से मतलब अगला जो गोल चक्कर है उससे इधर जाना है हमें। और ये बोर्ड पर देख सकते हैं आप, इस्लामाबाद 322 किलोमीटर, लाहौर 24 और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर 2, यानी कि वही वाघा बॉर्डर जो है। और गाइस सनसेट हो रहा है, कुछ देख सकते हैं आप कैसा, मतलब एकदम बढ़िया व्यू आ रहा है। तो गाइस यहां से बता रहे हैं कि यहां से है उस गांव का रास्ता, ये रहा ये, मतलब यहाँ तो सामने चले जाते हैं वाघा बॉर्डर के लिए, और यहाँ से है वो रास्ता। तो एक बार चलते हैं और देख के आते हैं कि यहाँ क्या होता है, कैसे सब कुछ। ये आर्मी की ही एक यूनिट है, ये नहीं पता कौन सी आर्मी की। ये देखो, ये गांव के लोग हैं यहाँ के, अटारी गांव के, और ये आर्मी की यूनिट है। इसी के सहारे सहारे रास्ता बताया गया है उस गाँव का, और गाँव का क्या वहाँ से वो भी दिखता है, रेलवे स्टेशन है कोई पाकिस्तान का। तो वहाँ ऐसा तो कुछ है नहीं कि खास कुछ देखना है, बट ये है कि हाँ एक अच्छा सा फील आई है, और देख के आते हैं एक बार। तो गाइस देख रहे हो आप सनसेट कितना बढ़िया हो रहा है, और मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ लगा के ना एक फोटो ले लेते हैं, जो कि पीछे तो ये व्यू आ जाएगा। ऐसे नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ रुकना मना है। तो गाइस मतलब एक जिज्ञासा है कि भारत का ये आखिरी गाँव है, और घर आने यहाँ से स्टार्ट भी हो गए हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल देखो वो रही उधर। अच्छा, ये वही है, ये रहे ना, ये तार चल रहे हैं वहीं से बाघा बॉर्डर से जो साथ में थे, देखो ये रहे। अच्छा। जूम नहीं कर पा रहा यार, ये पूरा प्रॉपर जूम नहीं कर पा रहा, दूर ज्यादा। ये रहा देखो अटारी गांव, घर स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से, जैसा कि वो कह रहा था सही। और देखो बस ना, देखो उस तरफ दिख रहा तुम्हें, कोई बुग्गी पे जा रहा है जन कुछ, दूसरी तरफ तार के तरफ, दूसरी तरफ मतलब पाकिस्तान में। अच्छा, जाने का कहीं से तो रास्ता होगा, वो थी तो अभी लाइन बीच में खेतों के लिए, खेत थी किसी की। भाई से ही पूछ लेते हैं सीजन चेक करना। भाई यहाँ से वो भी तो दिख जाता है रेलवे स्टेशन पाकिस्तान का एक, पाकिस्तान का। हाँ, वो सामने एक गेट होगा, सामने इधर सामने सीधा जाना, सीधा जाना। हाँ ठीक है, गेट वहाँ पे, वहाँ पे सीधा देखे। तो भाई एक बात पूछ रहा था मैं, मतलब यहाँ से गोली वोली की भी आवाज आ जाती है आप लोगों को कभी कभी? आ जाती है। सुनिए आपने? जहाँ पे होती है। अच्छा, तो अभी रिसेंट कब हुई थी जल्दी में कुछ पता है? अभी जल्दी में नहीं हुई है। आप लोगों को कैसे लगता है यहाँ पे रहते हुए? बढ़िया लग रहा है ये। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा बढ़िया बोल रहे हैं, बढ़िया लगता है। चलो ठीक है भाई, मतलब सीधे जाना है उसके लिए। तो वहाँ से क्या क्या दिख जाता है? रेलवे स्टेशन और बॉर्डर भी दिखता है क्या? कोई लाइन है? बॉर्डर होगा। अच्छा पीछे में छोड़ा, ये खेतों के बीच में जो रास्ता जा रहा था। हाँ जी, चलो वो सीधी बॉर्डर गई। अच्छा हाँ, वो जो परेड हो रही थी। हाँ, और यहाँ बस सीधा वो तो परेड देख के आए। तो यहाँ बस रेलवे स्टेशन ही है सामने और कुछ नहीं। नहीं दिखना, और हमारा जो अटारी बॉर्डर का वो कहाँ है? अटारी का। हाँ, वहाँ पे वो उधर उधर ही है, पिछले गाँव से है नया टपनी। नया टपनी, चलो ठीक।
बैग ही होना पड़ेगा तानू यहाँ से आगे से। हाँ ठीक है, ठीक बैग ही आना पड़ेगा। ठीक है भैया, इधर कैसा है तेरे को? हैं फोटो? फोटो नहीं लेने देते? हाँ वो उठ ही खड़ोगे, फोटो लेनी पड़ेगी तानू। ठीक है, ठीक है भैया, एक बार देख के आते हैं। थैंक यू भैया। तो गाइज ये अटारी गांव के मतलब लोकल लोग हैं और इन्हें ये बता रहे हैं कि सामने है वो, क्योंकि मेरे को याद है धुंधला मैं कभी छोटे में तो नहीं कह रहा पर 4 से 5 साल पहले आया था, तो जब मैंने देखा था यहाँ। तो अब चलते हैं और देखते हैं। ये देखो प्रॉपर मतलब जैसे हम लोगों के गांव होते हैं ना, ऐसे गांव है ये। हाँ तो सामने बताया जा रहा है, एकदम सामने है। तो चलते हैं सामने और देखते हैं, ये लोग जान भी देंगे जन पता नहीं, नहीं बैठे तो ऐसे ही हैं, बट कोई नहीं, गांव में ना ऐसे ही बैठते हैं सभी। तो टेररिस्ट ना मिल जाए अरे नहीं, यहाँ कहाँ टेररिस्ट, पाकिस्तान जाए, हमसे बड़ा कोई टेररिस्ट होगा? हमसे बड़ा, हम भी एक चूहा नहीं मारा आज तक। ये टर्न कैसे होगी बाबा, आगे? हाँ अरे कर लेंगे, देख ले आएंगे। वो कह रहा था ना वापस ऐसे ही आना पड़ेगा कुछ। अरे नहीं मैं मोड़ लूंगा खेत में उतार के। तो वो लड़का इसीलिए हमें बता रहा था कि आपको ना बैक ही आना पड़ेगा। बैक इसीलिए आना पड़ेगा कि सिंगल रोड ऐसी है। ओ गाइस यहाँ तो मतलब देखो गेट खुला हुआ है, पहले ही रोक लूं क्या? रोक दो। नहीं ये भारत की लाइन है यार, ये देखो गाइस गेट खुला हुआ है, तो शायद हम पाकिस्तान में एंटर हो जाएं, बट होंगे नहीं, यही रोक लेंगे पहले ही। रोको या होके आते हैं ना, एक बार देखते हैं ना क्या है। कार यही छोड़ो पहले, देख लेते हैं गाइस। बात भी सही है, ऐसे जाना ठीक भी नहीं है, क्या पता गाइस यहाँ रोक लगा रखी हो फौजियों ने और हम चले जाएं गाड़ी लेके, तो ठीक नहीं है। तो गाड़ी यहीं खड़ी कर दी है और एक बार चल के देखते हैं भाई। यही है इंडिया पाकिस्तान की ट्रेन, जो एक समझौता एक्सप्रेस जो चलती है ना, आप लोगों ने सुना भी होगा, वो यहीं के थ्रू चलती है। और देखो ये रहा, ये है प्रॉपर, ये देखो यहाँ ये गेट लगा हुआ है। नहीं कोई नहीं आएगा, अरे उधर से स्वामी वो जो है उधर आ रहा है, आने दो ना, पाकिस्तान तो उस तरफ है ना। हाँ, पाकिस्तान। देखो गाइस पाकिस्तान वो रहा जो उधर पीले सरसों के खेत हैं, मतलब पीले इधर भी हैं यार बट उधर भी हैं। और यही है देखो यार गाइस, कुछ यहाँ से एंटर होता है शायद पाकिस्तान में। हाँ जो ये ट्रैक है ना रेलवे ट्रैक, यहाँ से एंटर होता है पाकिस्तान में शायद, कंफर्म नहीं है मेरे को। तो बस यही है कुछ। और ये खड़ी भाई अपनी गाड़ी, ये रे गेट, ये गेट लग जाते होंगे यहाँ, और इधर से शायद भारत की तरफ से आती होगी ट्रेन। तो मतलब गाइस देख रहे हैं एक अलग ही फीलिंग आ रही है। मैं तो सोच रहा था यहाँ बस हमें दूर से ही दिखेगा कि वो उनका रेलवे स्टेशन है ये है, बट यहाँ तो बिल्कुल एक, तो मैं ट्रैक के पास आ गया हूँ और वो रहा गेट पाकिस्तान में एंटर होने का, देख सकते हो आप ये रहा। तो ट्रेन जब आती है यहाँ रुकती है पहले, फिर गेट ओपन होता है, फिर ट्रेन पाकिस्तान में एंटर करती है। अब मेरे को टाइमिंग तो पता नहीं है, मैं देखूँगा नेट पे भी कि हाँ क्या टाइमिंग होती है उसकी ट्रेन के आने जाने की। इसमें अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना उधर कुछ बुग्गी या बैलगाड़ी सी जा रही है, तो वो बैलगाड़ी नहीं थी एक्चुअली, वो ना ये फौजी थे जो गश्त पे रहते हैं। ये फौजी हैं? हाँ ये रे ना ये फौजी हैं पाकिस्तान के। अरे नहीं पाकिस्तान के नहीं, ये रे ना कैमरे के जूम में पूरा प्रॉपर दिख रहे हैं। तो गाइज ये फौजी हैं जो गश्त पे रहते हैं कि हाँ कोई टेररिस्ट ना आ जाए या कोई कुछ ना आ जाए। तो ये अब शायद हमारे पास ही आएंगे देखने कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों यहाँ अंदर आए, इस गेट के अंदर आना अलाउ नहीं है, फिर भी हम आ गए हैं। बट हम देखो गाड़ी लेके नहीं आए, गाड़ी हमने बाहर ही खड़ी कर रखी है अपनी। तो बस 2-4 मिनट और रुकते हैं फिर चलते हैं, दिखाते हैं जो भी होगा। तो यहाँ से इंडिया अपने में आता है। यहाँ से सर ट्रेन जाती है ना समझौता एक्सप्रेस, अब बंद हो चुकी है। हम नोएडा से हैं, परेड देखने आए थे यहाँ, तो फिर यहाँ बताया किसी ने अटारी गांव का पूरा रेलवे स्टेशन भी दिख जाता है। आप कहाँ से हैं सर? कहाँ से सर? बिना इसीलिए आप घूमते हो ना कोई पार ना करे। चलो भाई चलते हैं। है
एक रेलवे लाइन है यहाँ से, अब गाड़ी को मोड़ के ले आते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर से, यानी कि ये जो लाइन ऑफ मतलब रेलवे लाइन है यहाँ से, ये देखो, ये अब मैं मोड़ लेता हूँ यहाँ से गाड़ी, और ये देख सकते हैं आप पूरा जो मैंने अभी आपको दिखाया था गेट, जो समझौता एक्सप्रेस जाती है वहाँ से। तो गाइस यही था कुछ अटारी बॉर्डर का एक व्यू, पूरा तो मतलब मैं पूरा गांव को नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि रात हो गई है येरी, अब हमें घर के लिए भी निकलना होगा। तो यही था कुछ, और दो देख रहे हो आप फौजी भी, मतलब यहाँ जो मतलब वीडियोस में देखे ना आपने मूवियों में कि हाँ फौजी आए गश्त पे, उन्होंने पूछा हाँ कैसे, बिल्कुल वो सच है, देख लिया होगा आपने वीडियो में एग्जाम्पल, बिल्कुल प्रॉपर घोड़े होते हैं उन पर प्रॉपर घूमते रहते हैं और बहुत मेहनत का काम है। तो बस यही है गाइस, कुछ ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को, तो कैसा लगा आपको क्या? पर ये है आर्मी वालों को देख के दिल से फील आता है, मतलब ऐसे लगता है दिल से बहुत कनेक्टेड है, जबकि हम उन्हें जानते नहीं है पर्सनली। बिल्कुल सही बात है, पर ऐसे लगता है कि उनसे अलग ही रिश्ता है। ये तो सच है बिल्कुल, और है भी भाई इस देश की धरोधर जिन्हें कहते हैं वो यही है आर्मी फौजी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, और कमेंट जरूर कर दें कि आपको कैसा लगा ये वाला मतलब अटारी का हमारा रेलवे स्टेशन का ट्रैक, और कैसा है भारत का ये आखिरी गांव अटारी।